जी CSS 2017 की प्रेस ही हम कर रहे हैं और वैसे से रीड करें। ऑल द इवल्स इन द वर्ल्ड आर ब्रॉट अबाउट बाय द पर्सन्स हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग बट डू नॉट नो व्हेन दे आर टू बी अप आर नार व्हाट दे आर टू बी डूइंग। जी, तो वो कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी बुराइयां आती हैं या इवल आते हैं वो उन लोगों की वजह से आते हैं जो हर वक्त उठ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। आगे द डेविल आई टेक इट इज स्टिल द बिजिएस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स एंड आई हाँ कैन जी क्वाइट इमेजिन जी जी कर बोले। हिम डिनाउंसिंग लेजीनेस एंड बिकमिंग एंग्री एट द स्मॉलेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। जी जनाब, अच्छा फर्ज करें अवैस के मुझे डिनाउंसिंग का मतलब नहीं पता, प्रेसी में आ गया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि डिनाउंसिंग का क्या मतलब होता है? डिनाउंसिंग सर किसी चीज नहीं, वो अगर अगर कंटेस्ट अगर मुझे ना पता हो तो फिर मुझे इस जुमले को पढ़ के कैसे पता चलेगा कि डिनाउंसिंग का मतलब ये होता है? सर कंटेक्स्ट पे देख के पता चल जाता है तक कि बिल्कुल, कहना क्या एंड चाह रहे। एंड के बाद देखें क्या लिखा हुआ है। सर एंड बिकमिंग जी एंग्री एट द स्मॉलेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? तो जी ये इसका अगर मतलब आपको समझ आ रहा है तो फिर आप पिछले वाले का डिनाउंसिंग लेजीनेस इसका भी मतलब जो है वो आप समझ सकते हैं कि अगर वो वेस्ट ऑफ टाइम पे गुस्से हो रहा है तो इसका मतलब है कि लेजीनेस को क्या करेगा, नापसंद करेगा, ठीक है? नापसंद तो करें। जी सर वो कहता है कि जो शैतान है वो दुनिया की सबसे बिजी क्रिएचर है क्योंकि हर वक्त वो जो है वो कुछ ना कुछ खराब करता रहता है और लेजीनेस को पसंद नहीं करता और हर वक्त जो है वो कोई भी काम टाइम वेस्ट हो तो उस पर गुस्से में आता है कि इस टाइम में भी कोई शरारत की जा सकती थी। जी सर ये वेरी आगे बिजी जी मैन सर। इन हिज जनाब, किंगडम सर इन हिज किंगडम आई विल वेजर नो बॉडी इज अलाउड टू डू नथिंग नॉट इवन फॉर अ सिंगल आफ्टरनून। वो कहता है कि मेरे ख्याल के अंदर उसकी रियासत के अंदर शैतान के घर के अंदर किसी को भी इजाजत नहीं होगी कि वो वेला ना बैठे, उसको कुछ ना कुछ काम दिया जाता होगा ताकि हर वक्त फसाद पैदा होता रहे क्योंकि पहले उसने अपनी बात की है कि सारे इवल्स जो हैं वो ऐसे लोगों की वजह से आते हैं जो हर वक्त बिजी रहते हैं। और नीचे उसने किस किस तरीके से इस बात को प्रूव किया, उसने एक बड़ी चीज या एक यूनिवर्सल जो चीज चल रही है उसकी मिसाल दी कि जी देखो हर वक्त जो है वो दुनिया के अंदर शैतान जो है वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है दुनिया को तंग करने के लिए। अब आप ये कहें कि शैतान नहीं होता या आप ये कहें कि ये झूठ बोल रहा है तो क्वाइट पॉसिबल है, लेकिन उसने मेन जो पूरी दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग जिस चीज को मानते हैं शैतान को कि वो शैतानियां करता रहता है उसने उसको बुनियाद बनाया। तो कह सकते हैं कि एक वीक आर्गूमेंट है लेकिन जाहिर है कि क्योंकि हम इधर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो बस हमें जो बात बताइए हमने उसी की प्रेसी करते जाना, ठीक जी सर है? अगर हम ऐसे या ऐसे की कोई स्टेटमेंट आती है तो जाहिर है हम फिर इसे रिफ्यूट कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रेसी के अंदर हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम अपनी कहानी बता सकें। हमें सिर्फ इसने जो भी बात की है, सही बात की है गलत बात की है, तो हमने कहना है कि आमीन और उसके बाद उसको छोटा करके बता देना, ठीक है? अच्छा आगे अगला जुमला पढ़े। द वर्ल्ड वी ऑल फ्रीली एडमिट इज इन अ मडल बट आई फॉर वन डू नॉट थिंक दैट इट इज अ लेजीनेस दैट हैज ब्रॉट इट टू सच अ पास। हाँ, वो कहता है कि हमें आसानी से फ्रीली मान लेना चाहिए कि दुनिया जो है एक मडल में है। मडल का मतलब है कि हालात खराब हैं या हर चीज़ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, और उसके लिए ये नहीं है कि इंसान लेजी है इसलिए हो रहा है बल्कि कोई और मसला है। तो आगे बढ़े। इट इज नॉट द एक्टिव वर्च्यूज दैट इट लैक्स बट द पैसिव वंस। इट इज केपेबल ऑफ एनीथिंग बट काइंडनेस एंड लिटिल स्टेडी थॉट। हाँ, वो कहता है कि ये कोई ऐसी वर्चुज नहीं है, ये नहीं है कि इसके अंदर कुछ वर्चुज लैग करते हैं बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैसिवली होती रहती हैं, खुद ब खुद होती रहती हैं। इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है लेकिन काइंडनेस और अच्छी थॉट्स के अलावा, ठीक है? काइंडनेस और अच्छी थॉट्स जो है वो इंसान नहीं करता। आगे There is still plenty of energy in the world. There never were more fussy people about, but most of all, it is simply misdirected. जी, फसी कहते हैं जो फसाद पैदा करता है। वो कहता है कि दुनिया में बड़ी एनर्जी है लेकिन
इस वजह से कि जो फसाद पैदा करने वाले लोग हैं वो हमेशा मिसडायरेक्टेड होते हैं, अपने ही किसी तरफ जो है वो किसी गलत सिमत के अंदर जो है वो अपना जोर लगा रहे होते हैं। If, for example, in July 1914, when there was some capital idling weather, everybody, emperors, kings, archdukes, statesmen, generals, and journalists, had been suddenly smitten with an intense desire to do nothing, just to hang about in the sunshine and consume tobacco, then we should all have been much better off than we are now. First word, what I think, sir. 1914 में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सर, जी जनाब, पहली जंगे अजीम हुई थी। तो वो कहता है कि इमेजिन करो कि जुलाई 1914 में, जबकि मौसम भी ऐसा था कि आप आइडल बैठ सकते थे, आइडल का मतलब होता है सुस्त होकर बैठ सकते थे, तो हर बंदा जो बादशाह और आर्च ड्यूक जो बड़े बड़े नवाब थे, बड़े बड़े स्टेट्समैन, फॉरेन सर्विस के जो लोग थे, जनरल थे आर्मीज के, जर्नलिस्ट थे न्यूज़पेपर्स के, वो सारे अगर चुप करके उनको ये डिजायर होती है कि हम कुछ ना करें तो जंग छिड़ती ही ना, आराम से तंबाकू पीते, सूरज के अंदर जो है वो धूप सेकते और आराम से हम बहुत अच्छे होते, पहले से पहले जंगे जमीन होती। लेकिन उसका ये कहना क्या है कि लोग चुप करके नहीं बैठते, कुछ ना कुछ ईवल करने की तलाश में रहते हैं, एज अ रिजल्ट जो है वो बड़े बड़े नुकसान होते हैं। अगली जुमला पढ़े। but no, the doctrine of the strenuous life still went unchallenged. There must be no time wasted. Something must be done. जी जनाब, डॉक्ट्रिन कहते हैं किसी नज़रिए को, वो कहता है कि स्टर्नस लाइफ यानी सख्त ज़िंदगी का नज़रिया जो है उसको फिर भी किसी ने चैलेंज नहीं किया, मतलब उस नज़रिए को कि ज़िंदगी सख्ती का नाम है और ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर नज़रिया ये होता है कि नहीं ज़िंदगी को लाइटली लेना है तो शायद ये सारे लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि ये लोग जो हैं वो इस चीज़ को चैलेंज नहीं करते थे कि ज़िंदगी के अंदर जो है वो हर वक्त काम करते रहना सही है, तो रिजल्ट क्या हुआ, मतलब ये कि वो लोग जंग के लिए निकल आए। आगे Again, suppose our statesmen, instead of rushing off to Versailles with a bundle of ill-digested notations and great deal of energy to dissipate, had all taken a fortnight off, away from all correspondence and interviews and what not, and had simply lounged about on simple hillside or other, apparently doing nothing for the first time in their energetic lives. Then they might have gone to their so-called peace conference and come away again with their reputations still unspoiled and the affairs of the world in good trim. जी जनाब, काफ़ी लंबा जुमला है, मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो अटेंशन लूज कर गए होंगे, तो दोबारा से पढ़ते हैं इसको। वो कहता है कि अगेन सपोज आर स्टेट्समैन, स्टेट्समैन का क्या मतलब होता है, स्टेट्समैन होते हैं जो स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट कौन लोग देते हैं, जो कि फॉरेन सर्विस के लोग होते हैं, जो कि डिप्लोमेट्स होते हैं, जो दूसरे मुल्कों के आपस में कोई स्टेटमेंट दे के फैसला करते हैं या अपनी राय पेश करते हैं, उनको स्टेट्समैन कहते हैं। पॉलिटिशियन भी स्टेट्समैन हो सकते हैं अगर उनके फॉरेन अफेयर्स के अंदर इंटरेस्ट हो, जैसे वजीरे खारजा, और स्टेट्समैन ये डिप्लोमेट्स भी हो सकते हैं फॉरेन सर्विस के ऑफिसर। तो वो कहता है कि फ़र्ज़ करें हमारे जो डिप्लोमेट्स थे वो वर्साई की तरफ ना भागते। वर्साई एक ऐसा इलाका है फ्रांस के अंदर जहाँ पे जंग की सूरत के अंदर लोग आके इकट्ठे होते थे और बात करते थे कि आगे क्या करना है, ठीक है, तो वो वर्साई की तरफ ना भागते अपने गंदे नोशंस लेकर और अपनी बहुत सारी एनर्जी लेकर, बजाय इसके वो कहीं सैर वैर करने चले जाते, रेस्ट करते और इंजॉय करते टाइम को, तो हिल साइड पे चले जाते, पहाड़ों पे चले जाते, तो नतीजतन जो है वो फिर भी अपनी एनर्जी जो है वो किसी ना किसी पीस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करके पूरी कर सकते थे, लेकिन ये कि उन्होंने जंग को तरजीह की, और अगर जंग को तरजीह ना देते तो हमारी दुनिया एक अच्छी ट्रिम के अंदर होती। बड़ा अच्छा फ्रेज है, ट्रिम कहते हैं सिलाई को या किसी चीज को काटने को, कपड़े को काटने को जो कि सीने के लिए काटा जाता है, तो ये फ्रेज आप भी यूज कर सकते हैं कि वर्ल्ड इन अ गुड ट्रिम या आई हैव लाइफ माई लाइफ इन अ गुड ट्रिम, कि आपकी अच्छी कटाई हो गई है यानी कि अच्छी सूरत निकल आई है। जैसे कोट को काटा जाता है अच्छी शेप के अंदर और उसके बाद सिया जाता है, तो उससे जो है वो आपका कपड़ा खूबसूरत लगता है, कोट अच्छा बन गया या सूट अच्छा बना है, तो यही फ्रेज आप लोग जो है वो अपना यूज कर सकते हैं अपनी आम जिंदगी के लिए भी, कि भाई सीएसएस की तैयारी के दौरान जो है ना मेरी जिंदगी बड़ी अच्छे ट्रिम में थी, ठीक है,
या आप लिख सकते हैं कि जनाब डेमोक्रेसी के साथ जो है वो मुल्कों के अंदर हुकूमतें जो हैं बड़ी अच्छी ट्रिम में होती हैं, या आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने से गवर्नमेंट का सिस्टम बड़ी अच्छे ट्रिम में आ जाता है। तो ये बड़ा अच्छा फ्रेज है, ये आप नोट कर लीजिए, और मे भी ये इस दफ़ा आपके ईडियम्स के अंदर भी पूछ लिया जाए कि इन गुड ट्रिम को अपने ईडियम में यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जहाँ से भी मिलें आप ले लिया करें सर, और याद कर लिया करें सर। कहने का यही मकसद है कि उसका कहना है कि सारे जो स्टेट्समैन थे, जो सारे डिप्लोमेट्स थे, वो अगर जंग के वक्त वर्साई में इकट्ठे होने के बजाय कहीं सैर वैर करने निकल जाते और बाद में आके कोई पीस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर लेते तो जंग इतनी ज्यादा ना फैलती। आगे चलें। Even at the present time, if half of the politicians in Europe would relinquish the notion that laziness is a crime and go away and do nothing for a little space, we should certainly gain by it. जी जनाब, इधर से पता चलता है कि हमारा जो अक्सर है वो यूरोपियन है, और वो ये कह रहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, दो जंगें अजीम हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी यूरोप के जो स्टेट्समैन हैं वो अगर सारा कुछ छोड़ दें और आराम से बैठें तब भी गुजारा हो सकता है। ऐसे नहीं है कि उनके धुआंधार तकरीरें करने से और नई नई जंगें शुरू करने से भी मसले हल होंगे। आगे। Other examples come crowding into mind. बड़ा अच्छा फ्रेज है, क्राउडिंग इनटू माइंड। क्राउडिंग इनटू माइंड क्या मतलब है इसका? जहन में आते हैं जो एग्जाम्पल ज्यादा जहन में सबसे इकट्ठी ज्यादा होके आ रही हैं, ये भी आप बड़ा यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर भी, और मे भी ये भी जो है वो पूछ लिया जाए आपसे फ्रेज के तौर पे या आइडियम के तौर पे, या आप कहीं वैसे लिख दें अगर तो बड़ा अच्छा वो इम्पैक्ट पड़ता है, या बात करते हुए ज्यादातर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि कोई चीज याद ना आ रही हो या बहुत सारी चीजें याद आ रही हो तो आप कहें कि देर इज नथिंग क्राउडिंग इन माई माइंड, या देर इज एवरी थिंग क्राउडिंग इन माई माइंड रिगार्डिंग दिस। तो बड़ा अच्छा ये फ्रेज है। ठीक है, तो इन गुड ट्रिम और क्राउडिंग इन टू माइंड जो है, ये देखिए करीब करीब ही हमें दो अच्छे फ्रेजेस मिल गए। तो वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पलें मेरे सामने आ रही है। तो अभी तक अवैस इसने कितनी एग्जाम्पलें दी हैं अपनी बात को मान बनाने के लिए? सर। एग्जाम्पल्स तो सर बहुत सारी दी है, बस एक चीज को इम्प्रूव करना चाह रहा है कि कभी नहीं कभी बंदा नहीं उसने दो एग्जाम्पल्स दी हैं, एक डेविल की एग्जाम्पल दी है और दूसरी उसने पहली जंगे अजीम के दौरान डिप्लोमेट्स या इन लोगों की एग्जाम्पल दी है। जी बट दूसरी वर्सेस की जी ठीक है, तो जब भी आप किसी पैराग्राफ को बड़ा करें तो उसके अंदर लाजमी ध्यान में सोचा करें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना है, उसने क्या क्या बात की है। ठीक है, तो जी आपको अच्छा आइडिया भी अच्छा हो जाएगा, और इसी प्रेसी को करते हुए अगले पार्ट के अंदर जो हमने आइडियाज की लिस्ट बनानी है तब भी हम यही काम करेंगे। अच्छा जी, अगला सेंटेंस पढ़े। Every now and then, certain religious sects hold conferences, but though there are evils abroad that are mountains high, though the fate of civilization is still doubtful, the members who attend these conferences spend their time condemning the length of ladies' skirts and the noisiness of dance bands. जी जनाब, इसमें ख्वातीन जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होंगी कि उनके मतलब की बात की है, कि वो कहता है कि और भी मिसालें आ रही हैं, मिसाल के तौर पे रिलीजियस गैदरिंग होती हैं उसके अंदर और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये है कि वो ख्वातीन के कपड़ों पे और डांस क्लब्स के शोर के ऊपर सिर्फ बात करते हैं कि देखो दुनिया कितनी तबाह हो गई है, ये क्यामत आने वाली है। ठीक है, तो उनको इसके अलावा और कोई काम नहीं होता, तो बेहतर है कि वो ना ही होल्ड किया करें। ठीक है, वो कहता है कि अगरचे दुनिया के अंदर कंडेम्ड करने के लिए बड़े बड़े इवल्स होते हैं, लेकिन ये है कि उनकी बातें सिर्फ यही होती हैं कि ख्वातीन की स्कर्ट्स जो हैं वो कितनी ऊंची या कितनी नीची हो गई हैं, और दुनिया के अंदर जो है वो कितने डांस क्लब बन गए हैं या कितने बैंड्स जो हैं वो शोर मचा रहे हैं। आगे। They would all be better employed laying flat on their backs somewhere, staring at the sky and recovering their mental health. जी जनाब, वो कहता है कि ये सारे लोग जो हैं, इन लोग जो लोग दूसरों पर इतराज करते हैं, इनके लिए बेहतर यही है कि अपने दिमागी सेहत को सही करें और आराम से सीधे लेट कर आसमान को भूरा करें। ठीक है, तो इधर से हमें एक दो चीजें पता चलती हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ ये प्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो ये चीज पता चलती है कि जो हमारे ऑथर साहब है ना, वो सही जो है वो चिल किस्म के बंदे हैं, और उनको जो है वो कोई टेंशन नहीं है, वो कह रहे हैं कोई मुझे जज नहीं करेगा, बस ठीक है जो छोड़ता जाऊं वो लिखता जाऊं। ठीक है, और दूसरा ये है कि हमारे ऑथर साहब जो हैं वो मजहब बेजार थोड़े से आदमी हैं, और उनको अपने हम मजहबों की या बाकी लोगों की जो है बातें कुछ खास पसंद नहीं आती। ठीक
ठीक है। और एक ये कि हमारे जो ऑथर साहब हैं ये थोड़े से पीस लविंग हैं, इन्हें पहली जंग अजीम में होने वाली खून रेजी जो है ये पसंद नहीं आई। तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे ऑथर साहब कैसे हैं और हम इनकी बातों से सहमत करते हैं या नहीं करते। ठीक है, हमारा मेन काम यही है कि जो उसने कहा है उसको छोटा करके लिख दें। 144 वर्ड्स हैं हमारे पास, हमने उन्हें पूरा करना है। हमने अपनी राय भी नहीं देनी और हमने अपनी टोन भी ऐसे नहीं अडॉप्ट करनी कि वो ऑथर की टोन ना लगे। हमने बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ऑथर ही बन जाना है, क्योंकि हम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते प्रेसी के अंदर, हमारा ऑथर एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, तो अवैस थैंक यू, आपने बड़ी मेहनत के साथ ये पढ़ा है, तो अब हम लोग जो है वो किसी और वॉलंटियर को देखते हैं जो हैंड रेस करे और अब दोबारा इसको पढ़ते हैं और इसके आइडियाज समझने की कोशिश करते हैं कि कितने आइडियाज जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि अच्छा आप लोग, मे भी पहली बार आपको सारी चीज समझ ना आए तो आप मे भी आपको 2 बार पढ़ना पड़े या 3 बार पढ़ना पड़े, लेकिन ये कि क्योंकि मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ तो इसलिए ये वाला पैराग्राफ तो होपफुली आपकी समझ में आया होगा। तो अब कौन हैंड रेज करेगा? आज हमारी क्लास जो है वो काफी रेस्ट मोड में है, मेरे ख्याल जो सर्दियां आ रही हैं तो उसने सबको नींद जो है वो उसका गलबा सबके ऊपर डाल दिया। तैयबा अकरम कहती हैं मैं बात करूंगी, लेकिन तैयबा तो हमेशा हैंड रेज करती हैं। शोएब साहब हैं, काफी गुमनाम रहते हैं। शोएब आप माइक ऑन करें। मोहम्मद शोएब, इतरत बतूल माइक ऑन करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम सलाम शोएब, क्या हाल है आपका, कहाँ सर फाइन। पे हैं आप? मैं सर रूम में उस वक्त रूम कहाँ पे है? कराची जरा गलत कराची में सर सॉरी कराची में कहाँ रहते हैं आप? में सर मैं रहता हूँ ये डिफेंस व्यू में। अच्छा, डिफेंस व्यू कहाँ है? डीएचए के पास है। जी, डीजे इकरा यूनिवर्सिटी है, उसके साथ ही है, डिफेंस फेज 1 के साथ सही, और आप इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़े? है। नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से भी ग्रेजुएशन की है। सही सही सही, ठीक है। तो शोएब आप जरा ये पढ़ते जाएं और बताते जाएं कि कौन कौन सा जुमला, मतलब हमने आइडियाज को डिफरेंट कैटेगरीज में डालना है कि कितने आइडियाज टोटल डिस्कस हुए। एक तो मेन आइडिया ना कि दुनिया के अंदर जो है वो ज्यादा इश्यूज तब क्रिएट होते हैं जब लोग काम करना करते रहते हैं। हम इसके हिस्सों को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे कि कितने हिस्सों में बात हुई है टोटल। यस सर, जी पहला पढ़ें जरा। ठीक है सर। लाइक सर मैं रीड करूंगा। जी जी आप रीड करें। अच्छा, ऑल द इवल्स इन दिस वर्ल्ड आर ब्रॉट अबाउट बाय द पर्सन हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग बट नो डू नॉट नो व्हेन दे ऑट टू बी अप नोर दे नोर व्हाट दे ऑट टू बी डूइंग। जी जनाब, ये उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट है, ऐसा ही है। जी, बिल्कुल अपना इसमें ये उसकी थीसिस स्टेटमेंट है, इसमें उसने अपना इजहार कर दिया है कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ आगे पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, तो जी सर। इसको तो हम एक आइडिया मान लेते हैं ना कि उसने एक आइडिया पेश कर दिया है या उसकी चीज स्टार्ट हुई है। आगे पढ़ें। जी सर, द डेविल आई टेक इट इज ए स्टिल द बिजिएस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स। And I can quite imagine him denouncing laziness and becoming angry at the smallest waste of time. तो ठीक है, ये एक प्रूफ जुमला जो है एग्जाम्पल ये दे रहे डेविल की। डेविल के बारे में है। ठीक है, तो ये एक जी नया जी बिल्कुल आइडिया है या कह सकते हैं एक नई चीज है जो हमें आगे बतानी पड़ेगी अपने प्रेसी करते हुए। इन हिज किंगडम इन हिज जी किंगडम आई विल बेगर नोबडी इज अलाउड टू डू नथिंग नॉट इवन फॉर अ सिंगल आफ्टरनून। जी हिज किंगडम से पता चला है कि ये अभी उसको चीज फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। पिछली बात से जुड़ी हुई है, डेविल वाली बात से, हाँ ये सेम है, वो सेम ही है उसकी उसकी फर्दर उसको। तो जी सेम जी कलर कर देते। जी आगे। वर्ल्ड वी आर फ्रीली एडमिट इज इन अ मडल बट आई फॉर वन डू नॉट थिंक दैट इट इज लेजीनेस दैट हैज ब्रॉट इट टू सच अ पास। अब ये नई बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब ये पहले ये वाली बात और येलो वाली बात में कोई रबत नजर आ रहा है आपको?
रबत उसमें तो वही कह रहे करते रहते हैं, लेकिन इसमें ये उसको जरा सा वो कह रहा है अपनी लेजीनेस को जो है ना, कह रहा है वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। शुरू में भी उसने यही बात की ना कि सारी दुनिया के इवल्स जो हैं वो ब्रॉट अबाउट हैं उन लोगों से जो काम करते रहते हैं, और इसके अंदर उसने ये बात की कि लोग जो हैं वो जो लेजी रहते हैं वो गलत काम नहीं करते, तो ले देकर ये ऊपर वाली बात ही को जी उल्टा जी करके बिल्कुल बता रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल चलें बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हम फिर येलो कर देते हैं। आगे इट इज नॉट द एक्टिव वर्च्यूज दैट इट लैक्स बट द पैसिव वंस। इट इज केपेबल ऑफ एनीथिंग बट काइंडनेस एंड अ लिटिल स्टेडी थॉट। जी, आगे ये कौन सा है? इट इज नॉट द एक्टिव वर्च्यूज दैट इट लैक्स बट द पैसिव वंस। इट इज कैपेबल ऑफ एनी थिंग बट काइंडनेस एंड लिटिल एंड स्टीडी थॉट। सो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। अच्छा, वही इसमें पिछली वाली बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि दुनिया के अंदर काइंडनेस की कमी है, और इस चीज की कमी नहीं है कि लोग एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, लोग बहुत एक्टिव रहते हैं जी लेकिन चुप करके काइंडनेस की कमी जो है इस दुनिया के अंदर है, तो ये ऊपर वाली चीज के साथ मिल रहा है। सही है, ठीक है बिल्कुल। लेकिन अब ये देखेंगे क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन करने बैठ गया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये उसने एक दोबारा से उसी बात को करनी है, एक्स्ट्रा लेकिन इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा हाँ, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हम इसको जो है ना वो अलग आइडिया ही सफर करते हैं क्योंकि ये इस बात को फैलाने लग गया। आगे जी देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। देयर नेवर वर मोर फजी पीपल अबाउट बट मोस्ट ऑफ इट सिंपली मिसडायरेक्टेड। ठीक है, ये ऊपर वाली बात को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि दुनिया के अंदर बहुत एनर्जी है लेकिन फसी पीपल जो हैं, फसाद पैदा करने वाले जो हैं, वो काम खराब कर रहे हैं। जी अब आगे उसने दूसरी जंग अजीम की जी मिसाल जी दी है, तो दूसरी जंग जी अजीम की जितनी भी मिसाल है वो सारी ही क्या करती है, एक जैसी चीज है, एक एक जैसी चीज है बिल्कुल। इसे हम ऑरेंज कर देते हैं। और उसके बाद उसने कहा कि आज भी यूरोप के अंदर जो है वो लोग जो है वो अगर लेजी हो जाए तो बड़ा काम इजी हो सकता है, तो ये भी एक तरह से पहली जंग अजीम से मिलती जुलती बात है क्योंकि यूरोप के अंदर ही पहली जंग अजीम हुई थी। फिक्र वहां से लेसन ये लेसन लेसन क्रिएट कर रहा है आई थिंक। क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे वो कहता है कि मेरे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो कौन सी एग्जाम्पल है? ये इसने मजहबी तबके की एग्जाम्पल दे दी कि मजहबी तबका जो है वो इकट्ठा होकर करता है, तो ये एक नया आइडिया हो गया। जी और एंड पे वो उन्हीं को एक मशवरा दे रहा है कि वो बजाय इसके कि लोगों पे बातें करें वो सीधे होके लेट जाया करें ताकि उन्हें थोड़ी सी ठंड मिले। तो जनाब बिल्कुल ऐसा ये अब ये गिनेंगे कितने रंग है हमारे पास, इसमें मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे आउट कर देता हूँ। अब रंग गिने के कितने रंग आए हमारे पास? है। छः सर। छठा कौन सा है? सर एक लास्ट में ना जिसमें वो रेड के बाद नीचे मुझे नजर नहीं आ रहा। रेड के बाद तो क्या कुछ भी एक नहीं। दो थी। अच्छा हाँ सॉरी वो रेडी है ठीक है। वो मैं लास्ट लाइन को एक अलग आइडिया कंसीव कर रहा था, लाइक एक कंक्लूजन कंसीव कर रहा था। नहीं, कंक्लूजन उसने किया ही नहीं है इसका। ठीक है, तो टोटल जो है वो पांच मेन आइडियाज हैं। जुबानी हम लोग देख लेते हैं कि पहला आइडिया है उसकी थीसिस स्टेटमेंट, दूसरा आइडिया है डेविल की मिसाल, तीसरा आइडिया है दुनिया की मिसाल, चौथा आइडिया है पहली जंग अजीम की मिसाल, और पांचवा आइडिया है मजहबी तबके की मिसाल। ठीक है, बिल्कुल अब हमने करना यह है कि इन सारे पांचों आइडियाज को अपने वर्ड्स के अंदर जो है वो लिख लेना 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, तो थैंक यू शोएब, जी अभी हम लोग चलते हैं आगे और इसको अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश करते हैं, इसे हम कहेंगे पॉइंट्स फॉर द प्रेसी। जी जनाब, मुस्कान माइक ऑन करें और उर्दू में बताएं कि पहले जुमले के अंदर, पहले आइडिया के अंदर क्या बात हुई थी। हेलो, गजाला खान माइक ऑन करें।
इसने अपने डेविल के मुताबिक कहा था कि वो एक बिजी क्रिएटर है और उसको कुछ ना कुछ करना पसंद है और वो कुछ ना कुछ करता जा रहा है। डेविल तो दूसरे आइडिया में कहा था, पहले आइडिया में क्या कहा था? ये मैं खोल भी देता हूँ। तो ये उसका थीसिस स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि कुछ ना कुछ वो करते जा रहे हैं, पता भी हो ना हो वो लेकिन कह रहा है कि दुनिया के सारे करते गलत हैं। काम एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं, सही है? तो जी सर, हम कह सकते हैं कि ऑल इविल्स इन द वर्ल्ड आर ड्यू टू द एक्टिव पीपल, ऐसे ही है? अच्छा, यस सर। अब सेकंड वाला देखें, डेविल की मिसाल। क्या मिसाल देता है उर्दू में बताएं जरा। फिर वो यही कह रहा है कि डेविल एक बिजी क्रिएटर है और उसको लेजीनेस पे जो है ना वो ऑफेंड होता है, उसको कुछ ना कुछ अच्छा करना ठीक, अच्छा लगता है, वो वैसे भी टाइम को डिसलाइक करता है। इसमें आई का वर्ड यूज हुआ, क्या हम प्रेसी में आई का वर्ड यूज करेंगे? तो नहीं सर, हम कहेंगे कि, या तो हम इसे वैसे इग्नोर कर देंगे, हम कहेंगे द डेविल इज मोस्ट बिजी क्रिएचर इन द वर्ल्ड एंड ही इज ऑलवेज डूइंग समथिंग टू क्रिएट फस इन द वर्ल्ड। ठीक हो गया। अब तीसरी जो चीज है वो दुनिया की मिसाल देता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। जी गजाला खान, उर्दू में बताएं जरा। तो इसका वो यही कह रहा है कि जो आजकल की प्रैक्टिसेस हैं उसमें काइंडनेस को हम जो है वो इग्नोर करने के अलावा ऐसा नहीं है कि जो एक्टिव वर्चुअल्स हैं लोगों को उसका मतलब अवेयरनेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है इस चीज को जो है वो काइंडनेस से इग्नोर कर रहे हैं, उनके हाँ, पास करने इसमें के लिए इसमें दो एनर्जी बातें भी। करता है। वो कहता है कि हमारी दुनिया इसलिए मडल में है कि एक तो हमारे पास काइंडनेस नहीं है, और दूसरा ये कि जी हमारी जो एनर्जी है वो मिसडायरेक्टेड है, ऐसे ही है? तो सर, हम सादा सी बात करेंगे, इन टुडेज वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड इट इज नॉट द लैक ऑफ एक्टिविटी बट ऑफ इट इज नॉट द लैक ऑफ एक्टिविटी बट ऑफ द, या इट इज द लैक ऑफ काइंडनेस, या हम कह देंगे इट इज द लैक ऑफ पैसिव वर्च्यूज लाइक काइंडनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इविल। ऑल्सो दूसरी बात क्या थी? मिसडायरेक्टेड द एनर्जीज ऑफ पीपल आर मिसडायरेक्टेड, या हम कह सकते हैं कि इट इज द लैक ऑफ पैसिव वर्च्यूज लाइक काइंडनेस एंड ऑल्सो इट इज अ लैक ऑफ पैसिव वर्च्यूज लाइक काइंडनेस एंड द मिस डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एनर्जीज, इट इज की बजाय आएगा दीज आर। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवल्स इन द वर्ल्ड। ठीक हो गया गजाला। सर, अच्छा, चौथे के अंदर वो पहली जंग अजीम की बात करता है कि अगर 1914 की जुलाई में सारे लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं, सारे डिसीजन मेकर्स जो हैं,
वो अगर छुट्टी पे चले जाते तो जंग होती ना, ठीक है, यही बात की ना। तो हम कहेंगे कि द फर्स्ट या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का उसने जिक्र ही नहीं किया, तो हम सिंपल कहेंगे देयर वुड बी पीस, वुड नॉट बी एनी वॉर इन द वर्ल्ड इफ ऑल द डिसीजन मेकर्स एड गॉन टू स्पेंड वेकेशन इन जुलाई 1914। नो दे कुड स्टिल सेटिस्फाई देयर एक्टिव नेचर बाय कंडक्टिंग सम पीस कॉन्फ्रेंस। ठीक हो गया। और पांचवें बात उसने क्या कही है, मजहबी तबका इकट्ठा होता है और आकर लोगों पे तनकीद करता है बजाय इसके कि वो कोई और बात करे। एवरी नाउ एंड देन सर्टन रिलीजियस सेक्ट्स होल्ड कॉन्फ्रेंसेस, इकट्ठे होते हैं, बट दो देर आर इवल्स अब्रॉड दैट आर माउंटेन्स हाई। अगरचे बड़ी बड़ी बुराइयां भी हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ यही टाइम मिलता है कि वो खवातीन के कपड़ों और डांस बैंड्स के नॉइज के ऊपर जो है वो तबसरे करें, उनको रेस्ट करनी चाहिए। तो हम कहेंगे सिमिलरली, या कैसे कहेंगे कि एन अदर एग्जाम्पल इज ऑफ द रिलीजियस, या सर्टन ऑफ सर्टन रिलीजियस ग्रुप्स दैट नेग्लेक्ट द सॉलिड, या दैट नेग्लेक्ट द कंक्रीट इश्यूज एंड होल्ड कॉन्फ्रेंसेस ओनली टू क्रिटिसाइज देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। दे शुड ऑल्सो टेक अ रेस्ट एंड टेक अ रेस्ट टू रिकवर फ्रॉम मेंटल हेल्थ। ठीक हो गया। तो जनाब ये हमने उर्दू में सोचना है कि क्या 5 पॉइंट थे और उनको अपने लफ्जों के अंदर जो है वो लिखते हैं। ये हमारे पास रफ पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। इसकी गिनती कर लेते हैं कितने पॉइंट्स कितना है। तो ये 125 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास 144 वर्ड तक की प्रेसिंग की लिमिट है, हमने 125 वर्ड्स के अंदर पॉइंट्स कर लिए। अब हम अगला काम क्या करेंगे, हम इसका एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम इसको पैराग्राफ फॉर्म में करेंगे, और पैराग्राफ फॉर्म में करने के बाद हम लोग इसको एक तरह से थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, थोड़ा आपस में जोड़ डालेंगे इसके, ताकि जो है ये कंटिन्यूअस चीज नजर आए। तो मैं इसको पैराग्राफ फॉर्म में ऐसे करूंगा, आप रफ के ऊपर कर रहे होंगे सारा काम ये वाला, और आप अपने इसको दोबारा लिखेंगे या उसी जगह पे। मेरी तो इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ता था, मैं उसी जगह पे काट के सीधा कर लेता था और फिर फाइनल ड्राफ्ट ही बनाता था। ठीक है, तो अब ये हमारे पास पैसेज आ गया। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, दोबारा देखते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया या कोई इशू तो नहीं हो गया। आपको भी अगर लगता है तो आप लोग चैट के अंदर बताएं या हैंड रेज करते जाएं। वो कहता है कि ऑल इवल्स इन द वर्ल्ड आर ड्यू टू एक्टिव पीपल, ऑल इवल्स इन दिस वर्ल्ड कह सकते हैं हम दा की बजाय, आर क्रिएटेड कह दें तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, इसके अंदर वर्ब आ जाएगा। ऑल इवल्स इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड ड्यू टू एक्टिव पीपल, या बाई एक्टिव पीपल कह देते हैं, ठीक है।
आगे वो कहते हैं कि द डेविल इज द मोस्ट बिजी क्रिएचर इन द वर्ल्ड एंड ही इज ऑलवेज डूइंग समथिंग टू क्रिएट फस इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब इन द वर्ल्ड भी कई बार आया है और क्रिएट का वर्ड भी दो बार आया है, तो हम अच्छी राइटिंग के लिए रेपिटेशंस को पसंद नहीं करते, तो हम लोग जो है वो सबसे पहले तो इन द वर्ल्ड को खत्म करने की कोशिश करेंगे। द डेविल इज द मोस्ट बिजी क्रिएचर, बस, एंड ही इज ऑलवेज डूइंग समथिंग टू क्रिएट फस इन द सोसाइटी, कह देते हैं। ठीक है, इधर वर्ल्ड का मतलब सोसाइटी भी है या इंसानों के अंदर, इन ह्यूमन बींग। और क्रिएट दो बार आ गया है तो हम कह सकते हैं कि डिवाइस का वर्ड आ सकता है, डिजाइन का वर्ड आ सकता है, और कौन सा वर्ड हो सकता है क्रिएट की जगह पे, आप सजेस्ट करें चैट के अंदर। ऑल द इवल्स इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय, डिजाइंड बाय, कंसीव्ड, कंसीव्ड बाय, ये अच्छा वर्ड है, कंसीव। अभी चैट में किसने बताया, जिले हमारे का प्रोपोगेट, जिले हमारा प्रोपोगेट का मतलब होगा कि आगे फैलाना, लेकिन ये है कि कौन बना रहा है, फैलाया तो बाद में जा रहा है, बना रहा है। तो ऑल इवल्स इन दिस वर्ल्ड आर कंसीव्ड बाय एक्टिव पीपल, कंसीव्ड भी अभी सही नहीं है, इधर क्रिएट कर देते हैं और इधर कंसीव कर देते हैं। कंसीव भी नहीं सही आएगा, कंसीव का मतलब था ख्याल सोचना, लेकिन यहाँ पता है जनरेट, ये अच्छा वर्ड है, समथिंग टू जनरेट, टू क्रिएट, टू मेक, टू डू, टू प्रमोट, प्रमोट भी अच्छा वर्ड है, फस्ट इन द वर्ल्ड। फैब्रिकेट भी अच्छा वर्ड है, पहले वाला फैब्रिकेट कर देते हैं, लेकिन पहले में क्रिएट ज़्यादा अच्छा है, और टू फैब्रिकेट, प्रमोट सही वर्ड है। ठीक है, अच्छा जी, इन द वर्ल्ड फिर आ गया। ठीक है, इसकी जगह हम कर सकते हैं इन द वर्ल्ड की जगह अमंग ह्यूमन बींग्स, दीज आर दीज आर, बड़ा गलत लग रहा है, इट इज द लैक ऑफ पैसिव वर्च्यूज लाइक काइंडनेस एंड मिसडायरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग ह्यूमन एनर्जीज। हम कहेंगे द लैक ऑफ पैसिव वर्च्यूज लाइक काइंडनेस एंड द मिसडायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एनर्जीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईवल्स, फुल स्टॉप। ईवल्स का वर्ड दो बार आ गया तो हम रॉन्ग डूइंग कर देंगे, फॉर ऑल रॉन्ग डूइंग्स। देर कुड नॉट बी एनी वॉर इन द वर्ल्ड इफ ऑल द डिसीजन मेकर्स हैड गॉन टू स्पेंड वेकेशन, had gone, had departed to spend vacation in July 1914. They could still satisfy their active nature by conducting some peace conference, isn't it, conference. Another example is of certain religious group of such phenomena is of phenomena is of certain religious groups that neglect the concrete issues of the world, either kar denge of the world, and hold conferences only to criticize their fellow human beings over non issues. They should also take some rest to recover from mental health. theek hai ji, to ye kafi had tak jo hai hamara ek पैराग्राफ बन गया। इसके दोबारा वर्ड चेक करते हैं, इसके फिर 125 वर्ड्स हैं। ठीक है, ये वर्ड्स कम हैं, हमें फिर कुछ थोड़ी सी गपशप और ऐड करनी पड़ेगी।
तो ये हमारा रफ ड्राफ्ट था, अब हम इसको नीट ड्राफ्ट में कन्वर्ट करते हैं जो कि आप मेन पेज पे लिखेंगे। हम कहते हैं ऑल इवल्स इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय एक्टिव पीपल, द डेविल इज मोस्ट। ये मुझे लगता है कि ये सडन स्टार्ट है, तो हम इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस डाल के थोड़ा सा मसालियत और देने की कोशिश करेंगे। फॉर इंस्टेंस, द डेविल इज मोस्ट दी मोस्ट बिजी क्रिएचर एंड ही इज ऑलवेज डूइंग समथिंग टू प्रमोट फर्स्ट इन द सोसाइटी। तो अमंग ह्यूमन बींग द लैक ऑफ पैसिव वर्च्यूज लाइक काइंडनेस एंड मिसडायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एनर्जीज, ह्यूमन दो बार आ रहा काट देते हैं, एनर्जीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रोइंग रॉन्ग डूइंग्स बींग विटनेस्ड इन द वर्ल्ड। लेकिन ठीक है, ये जरूरत नहीं, अराउंड अस कर देते हैं, ठीक है, इन द वर्ल्ड हो जाएगा अराउंड अस का मतलब। देर कुड नॉट बी एनी वॉर इन द वर्ल्ड इफ ऑल द डिसीजन मेकर्स हैड डिपार्टेड टू स्पेंड वेकेशन इन जुलाई 1914। इसे हम थोड़ा सा फैला सकते हैं, ऊपर देखते हैं क्या बात हुई थी। तो इफ फॉर एग्जाम्पल इन जुलाई 1914 व्हेन देयर वाज सम कैपिटल आइडलिंग वेदर, एवरीबॉडी had been suddenly smitten with intense desire to do nothing, just to hang about in the sunshine. But not, no, the doctrine of Stirner's life still went unchallenged, and there must be no time wasted. Something must be done. Again, suppose our statesman, instead of rushing to Versailles with a bundle of ill-digested notions and great deal of energy to dissipate, had all taken a fortnight off away from the correspondence and interviews and whatnot, and had simply lounged about some hillside. Then they might have gone to their so-called peace conference and come away again with their reputation still unspoiled. हाँ, हमने एक चीज मिस की है, इवन इन प्रेजेंट टाइम की बात उसने जो की थी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि दिस कैन इवन इन प्रेजेंट डे यूरोप स्टेट्समैन शुड टेक सम टाइम ऑफ इंस्टेड ऑफ एक्सूडिंग देयर एनर्जीज टू क्रिएट हार्म फॉर अदर्स। ठीक है, आजकल के यूरोप के जो स्टेट्समैन है उनको भी कुछ टाइम ऑफ लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एक्सूडिंग देयर एनर्जीज, अपनी एनर्जीज को जाया करने के बजाय टू क्रिएट हार्म फॉर अदर्स, लोगों के लिए बनाते हुए। अब आई थिंक हमारे जो वो है ना पैराग्राफ है वो परफेक्ट हो गया, इसको कॉपी करके हम लोग फाइनल ड्राफ्ट की शक्ल में पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब इसके वर्ड्स देखते हैं कितने हैं। इसके 146 वर्ड्स हैं, सिर्फ दो वर्ड्स उत्तर हुए हैं। आई थिंक ये परफेक्ट हो गया काम, ठीक है, अभी इसको मजीद नहीं छेड़ते, इसको बिल्कुल इसी तरह से आपने उठाकर अपने जो है वो नीट पे लिख देना है। अब आपका जो नीट पेज होगा जिसके ऊपर आपने पेपर किया होगा उसके अंदर सिर्फ ये चीज होगी, ऊपर आपने लिखा होगा क्वेश्चन नंबर टू प्रेसी, और नीचे लिखा होगा सिंपल प्रिसाइज्ड पैराग्राफ कह दें, और इसके अंदर आप अपना ये वाला पैराग्राफ पेस्ट कर दें। उसके बाद आप कहें वर्ड्स वाली जो कहानी थी हमने पहले ऊपर बात की थी वो सारा उठा के ले आते हैं, ठीक है। हाँ, एंड पे या स्टार्ट में आप कह सकते हैं टाइटल ऑफ द प्रेसी, टाइटल ऑफ द प्रेसी के नंबर होते हैं इसलिए आपने इसे मिस नहीं करना।
टाइटल कैसे बनाना है? टाइटल बनाने के लिए आपने तीन ऐसे वर्ड्स सोचने हैं जो आपके दिमाग में जोर जोर से टकरा रहे हैं इस पैराग्राफ को पढ़ के। अभी मैं चाहूंगा कि सारे जो लोग हैं वो तीन वर्ड्स कॉमास के साथ सेपरेट करके चैट में लिखें। कोई फ्रेज नहीं बनाना, सिर्फ वर्ड्स कॉमास के साथ सेपरेट करके इधर लिखें। पैसिवनेस, डेविल, पीस, मिस्टर एक्शन, ईवल वर्ल्ड। ये सोचेंगे ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में था, किस चीज को प्रमोट कर रहा था। ह्यूमन बींग्स को कर रहा है, पीस को कर रहा है, लेजीनेस को कर रहा है, टू डू नथिंग को कर रहा है प्रमोट। सबा कह रही है, जिलेमा कह रही है लेजीनेस को कर रहा है, मेंटेन पीस को कर रहा है, पैसिवनेस को कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के इसके अंदर बात की गई है कि काम ना करना भी एक नेमत होती है। ठीक है, तो हम दो तरह के बना सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि लेजीनेस इज अ वर्चू, या हम कह सकते हैं कि एक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज डेंजरस, या हम कह सकते हैं कि द हिडन बेनिफिट्स ऑफ डूइंग नथिंग, द हिडन बेनिफिट्स ऑफ लेजीनेस, या हम कह सकते हैं कि ऑल एनर्जीज आर नॉट यूजफुल। तो मेरे ख्याल में हिडन बेनिफिट्स ऑफ डूइंग नथिंग एक खूबसूरत है, लेकिन यह है कि इनमें से कोई भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक ही टाइटल देना है। ये सारी ऑप्शंस रफ पे जरूर करनी है, लेकिन जो सबसे अच्छा बनेगा वो एक ही आपने देना है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को नीचे उतार लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, इसको रफ वर्क में कर देते हैं। ठीक है, द हिडन बेनिफिट्स ऑफ डूइंग नथिंग। अब आप ये काम स्टार्ट में भी कर सकते हैं, इसको उठा के आप स्टार्ट में भी लेके जा सकते हैं, या आप इसको एंड पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कहीं भी किसी कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप प्रेस चीज कर दें, नीचे प्रेस ही लिखती है, इसके नीचे वर्ड्स लिखती है। ठीक है, तो ये जनाब आपका जो है वह खूबसूरत सी प्रेस ही होगी।